This is the last question. Suppose a textile shop provides two different types of offer during a festival season. The first offer, D1, is shop more than 15,000 and pay only 10,000. The second offer, D2, is avail 30% discount on the total payable amount. If Shalini wants to buy two dresses, each of which cost more than 8,000, and she is given the choice to avail both the offers simultaneously, then which of the following options are correct? Now, basically, Shalini is allowed to put the both offer. तो यार, she's like very lucky क्योंकि बहुत सस्ता पड़ जाएगा उसको. So some of the options has been given to us and we have to find out which are correct one. So let's do it. So we have to find the minimum amount that she will be paying. तो मिनिमम अमाउंट क्या होगा जब मैं मोर देन 8,000 के रुपए का ड्रेस खरीद रही है ना, तो मिनिमम अमाउंट में तब कैलकुलेट कर पाऊंगी व्हेन आई एम अज्यूमिंग कि दोनों ही कपड़े ही 8,000 8,000 के खरीद रही है. देयरफॉर इसके जो टोटल अमाउंट है दैट इज 16,000. अब इसमें दोनों के दोनों ऑफर अवेल कर सकती है, D1 भी एंड D2 भी. D1 क्या कहता है कि आप जैसे ही 15,000 की शॉपिंग करते हो या उससे ज्यादा की शॉपिंग करते हो, यू हैव टू ओनली पे 10,000. एंड D2 बोलते हैं कि आपका कितना भी टोटल अमाउंट है उसका आपको सिर्फ 70% पे करना है, 30% आपको ऑफ है. और जो शालिनी है वो 16,000 रुपये में D1 और D2 दोनों ऑफर अवेल कर सकती है. सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज कि शालिनी ने D1 पहले ऑफर अवेल किया, तो क्योंकि ये 16,000 विच इज मोर देन 15,000, सो ऑल शी नीड टू पे इज 10,000 रुपीज. और ये जो पेबल 10,000 रुपीज है ना, उसमें भी इसको 70% का डिस्काउंट हो गया, आई मीन 30% का डिस्काउंट हो गया. तो 10,000 का 70% ही इसको देना है शॉपकीपर को, सो दैट इज नथिंग बट 7,000. सो द मनी शी हैज टू मिनिमम पे टू द ऑफ शॉपकीपर इज 7,000 और 6,999. सो द मिनिमम अमाउंट शी शुड पे आफ्टर अप्लाइंग द टू ऑफर कैन नॉट बी डिटरमाइंड. तो यार ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि मिनिमम ऑफर तो मैं डिटरमाइन कर ही सकती हूँ ना, क्योंकि मेरे को मिनिमम लिमिट दे रखी है. सो द मिनिमम अमाउंट दैट शी शुड पे आफ्टर अप्लाइंग द टू ऑफर साइमल्टेनियसली इज 7,000. सो दिस इज करेक्ट. सो ऑप्शन बी अपना करेक्ट आ गया. द अमाउंट शी शुड सपोज टू पे आफ्टर अप्लाइंग D2 ओनली इज अप्रोक्सीमेटली दिस वन. तो यार D2 इज वॉट मुझे टोटल अमाउंट पता होना चाहिए, एंड क्योंकि यहाँ पे मुझे शालिनी का एक्चुअल टोटल अमाउंट नहीं पता, मैं D2 के ऊपर कुछ भी कमेंट नहीं कर पाऊंगी. सो दिस इज रॉन्ग. द अमाउंट शी इज सपोज टू पे आफ्टर अप्लाइंग D1 इज, तो यार यहाँ पे ये सिर्फ D1 अप्लाई कर रही है और मिनिमम ये 16,000 के कपड़े तो खरीद रही है, या तो 16,000 या उससे ज्यादा. तो ऑब्वियसली शी इज वैलिड टू पुट D1 वाला ऑफर, एंड क्योंकि वो 15,000 से ज्यादा का ले रही है सामान, तो उसको 10,000 ही देने हैं शॉपकीपर को. सो आर ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट. सपोज द टोटल पेबल अमाउंट इज दिस, तो मान लो कि 18,000 की इसने शॉपिंग की. इन ऑर्डर टू पे मिनिमम अमाउंट, शालिनी को पहले D1 लेना चाहिए या D2? तो यार अब चेक करते हैं कि कैसे. सो लेट्स गो टू दी अनदर पेज सो दैट वी कैन प्रॉपरली कैलकुलेट इट. बेसिकली शालिनी ने 18,000 के क्लोथ्स खरीदे हैं, एंड अब अपन को जज करना है कि वो कम से कम रुपए शॉपकीपर को दे, उसके लिए उसे पहले D1 ऑफर लेना चाहिए या D2. तो यार D1 ऑफर क्या था कि 15,000 से ज्यादा की शॉपिंग करो, आपको सिर्फ 10,000 पे करने पड़ेंगे, राइट? एंड D2 ऑफर था कि आपका टोटल जो भी आपका जो भी बिल बनता है उसका आपको सिर्फ 70% पे करना है, 30% इज अ डिस्काउंट. अब यार 18,000 है, सो लेट्स सपोज कि शालिनी ने पहले D1 वाला लिया, तो 18,000 के अपने कितने हो गए, 10,000. एंड 10,000 का 70% कितना हो गया, 7,000. सो 18,000 का कपड़ा लेके भी शी हैज टू ओनली गिव 7,000 टू द शॉपकीपर. नाउ लेट्स सपोज कि शालिनी ने यहाँ पे पहले D1 लिया था और फिर D2. अब मान लेते हैं कि शालिनी ने पहले D2 वाला ऑफर लिया, ठीक है? तो जब इसने D2 ऑफर लिया तो 18,000 का 70% कितना होता है, 12,600.
सो दिस इज दी 70% ऑफ 18,000। तो अगर इसने D2 वाला लिया तो पहला तो इतना आ गया, एंड अब इसके बाद ये आगे जा ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि 12,600 इज लेस देन 1,500, देयरफॉर D1 वाला ये अवेल ही नहीं कर पाएगी अगर ये D2 वाला पहले कर लेती है तो। क्लियर? नाउ लेट्स गो बैक टू द ऑप्शन। तो अपने ऑप्शंस में क्या बोल रहे हैं कि टोटल पेपर अमाउंट अपना 18,000 है, तो शालिनी को पहले D2 करना चाहिए और फिर D1। सो बेसिकली पहले यार अपन ने पता लगा लिया कि पहले उसे D1 लेना चाहिए और फिर D2 लेना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट आ गया। एंड यहाँ बोला गया है कि अगर उसने पहले D2 वाला ले लिया तो वो D1 वाला नहीं ले पाएगी, और यही तो अपन ने कंक्लूड किया था। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सपोज द टोटल पेबल अमाउंट इज 18,000, इन ऑर्डर टू पे द मिनिमम अमाउंट शालिनी शुड अवेल ऑफ अ D2 एंड देन D1। सो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि एक बार अगर इसने D2 वाला अवेल कर दिया वो D1 वाला कर ही नहीं सकती उसके बाद। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन आर बी, डी, ई एंड एफ। सो दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल।